प्यारे भाइयों, यह प्रोग्राम मैना कैसेट कंपनी की ओर से पेश करते हैं। गायक है राज इंद्र सिंह खरकिया व साथी। किस्सा है पिंगला भरतरी। बोल्या रे देश मालवा राजपुताना, एक रमणिक शहर उज्जैन होया। अरे इसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गणरप सेन होया। वो देश मालवा राजपुताना, एक रमणिक शहर उज्जैन होया। इसी श्राप से इंद्र का बेटा वो राजा गणरप सेन होया। देश मालवा राजपुताना, एक बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी, जिसके नार पति भरता। जेठा बेटा होया भरतरी, की दुनिया में चकरे फरेता। एक मैनावंती कन्या जन भी रूप ने देख चांदी डरता। ये पाप पुन ने रे तोल्या करते, पाप पुन ने तोल्या करते। हेरे जैसे चकवा बैन होया, किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गणरव सेन होया। गाम के गोरे भाई, गाम के गोरे बने सरोवरी, वृक्ष खड़े ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना तला भूप ने बनवाया। राजा रानी नाया करके ईश्वर की खरकी माया। हेरा मरे दाने में रानी नारी, जनाने में राजा नाया। राजा की ते वो रानी बनगी, राजा की ते रानी बनगी। ये रानी का गुठ मैन होया, किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गणरप सेन होया। नावंती कन्या जन्मी, एक मैनावंती की कन्या जन्मी। ही दिन दिन कला सवाई थी, दारा शहर में पद्म सेन थे, जिसकी करी सगाई थी। वेद विधि और
मंत्र पढ़ के रंग ठाट बात से ब्याई थी जिसके जन्म्या ओ गोपी चने चंद रावण के नरदाई इतना अरसा बीत भूप पे इतना अरसा बीत भूप पे से मारी कुछ फैन होया किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया बेटा आज जेठा बेटा भूप भरतरी चौदह विद्या पास होया नारद जी ने कथा सुना दी राजपाट का चास होया छह साल का जप होया विक्रमा माता का स्वर्गवास होया तेरा पिंगला रानी और भूप भरतरी अरे ते सत्यानाश होया से मंगे राम हरि की भक्ति मंगे राम हरि की भक्ति वो तो दिन प्रतिदिन रहने होया किसी श्राप से इंद्र का बेटा तो प्यारे भाइयों किसी समय भगवान इंद्र ने नाचने गाने की सभा बुलवाई और उस सभा में उसके लड़के गंधर्व सेन भी हाजिर हो गए। जब इंद्र भगवान ने गंधर्व सेन को सभा में देखा तो गंधर्व सेन को इंद्र भगवान ने श्राप दे दिया। कहने लगा हे बेकूफ तू इस सभा लायक नहीं था, वह बाप बेटी की सभा नहीं थी। और कहने लगा इंद्र भगवान कि आप मृतलोक में जाओ, वहां पर उज्जैन नगरी है, वहां जाकर राज करो। तो राजा गंधर्व सेन पिता की आज्ञा पाकर उज्जैन नगरी में आ जाते हैं और राजा गंधर्व सेन के यहाँ दो पुत्रों ने जन्म लिया, बड़े का नाम भरतरी और छोटे का नाम विक्रमा रख दिया। और जब भरतरी जवान होया तो राजा गंधर्व सेन राज तिलक करके वापिस स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। राजपाट की डोर भरतरी संभाल लेते हैं। उस समय विक्रम की उम्र 6 साल की थी। कुछ दिन बाद उस विक्रमा की और भरतरी की माँ मर जाती है। विक्रम का पालन पोषण भरतरी ही कराया करते थे। भरतरी की शादी हो चुकी थी, उनकी रानी का नाम पिंगला था। एक बार उनके राज में गुरु गोरखनाथ आ जाते हैं, उनकी आपस में संस्कृत में बहस होती है। उसी समय राजा भरतरी उठकर वापिस महलों की तरफ चल पड़ते हैं तो गुरु गोरखनाथ कहने लगा हे राजन आप कहाँ जा रहे हो? तो राजा भरतरी कहने लगे कि हे महाराज मेरे को पिंगला रानी की याद आ गई है। गुरु गोरखनाथ ने सोचा इस युग में इतना इश्क है तो आगे पता नहीं कितना बढ़ जाएगा, इसे कुछ घटाया जाए। उसने अपने योग से माया से एक इंसान को तैयार किया और उसी राज में उनको उसको गुड़साल की नौकरी दिवा दी। रहते सहते उस गुड़साल का के दीवान का याराना रानी पिंगला से हो जाता है। उधर विक्रम स्कूल से आता है और उस समय पिंगला रानी ने दीवान को महलों में बुला रखा था और एकदम खोल कर किवाड़ बढ़ गया। किस तरह बढ़िया बोला नो बोलिया खोल के किवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में येरी मैं आया था सेल में खोल के किवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल I'm
देखा नुमला कब अभी तुमने सच्ची बता दी कौन आदमी से
पिंगला कहने लगी कोई आदमी नहीं यहाँ पर। तो विक्रम के कहने लगे अपनी भाभी एक बात की दोबारा के हेरा फेरी कर री री भाभी तू चोर की तरह तेरा छोटा देवर विक्रम देखे और की तरह के हेरा फेरी कर री भाभी चोर की तरह देवरे विक्रम देखे और
भाइयों, विक्रम की बात सुनकर पिंगला कहने लगी कि विक्रम, जब तू 6 साल का था और तेरी मां मर चुकी थी, तेरा लाड प्यार मन ने किया, राज तू महल में, आदमी बताओ उसे। जब मां मरी का नाम लिया विक्रम आगे, पिंगला ने उसी समय अपने बड़े भाई भरतरी दोहरे पहुंच गया। भरतरी कहने लगा कि भाई कैसे आना होया, और के कहने लगा भरतरी से, न बोलिया भाई रे भाई रे मेरे लाड करनिया मर गए करणी।
खरीगे विक्रमा ने कही तो भरतरी कहने लगा कोई बात ना भाई, तेरी बड्डी भाभी थी, कह दिया तो कोई बात नहीं। मुझे अच्छा भाई इतनी मेर अभी किस चीज की? तो विक्रमा की कहने लगा भरतरी से, बोलिया रे किसने देखा सुरग भरतरी ओ आपा मरे बना क्यों करे आजा सबर आदमी के पेटा भरे बिना चोराए पचरा सब फीका पकवान महल के अंदर पैर धरुआ सोसो बक दीमान छोटे बड़े आदमी की वा नहीं रखती मान तेरी बहु पंगला किर भाई तर 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 जबान तेरी बहु पंगला किर भाई तर 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 जबान तेरे क्यों करे बाते तान आदमी की क्यों करे बाते तान आदमी की तेरे हांडे फ्रे बना तेरा तीन होया करे जिसके गलत हिसाब आदमी हो से आदमी हो से जग में भयो मोती कैसी आप तेरी पिंगला के आवे से ये
दिन और रात खयाब तेरी बहू तेरी ईमान तीना मारी सी विदा भाभी के पास एक आदमी को देखा तो राजा भरतरी कहने लगा कि भाई ये तो मेरा बात नहीं जची। तो विक्रम कहने लगा कि भाई तेरा जत जाई कि कैसे विक्रम के कहने लगा भरतरी से बोला न्यो बोल्या रे शेरा के खाड़े में मन आज करता श्याल खेलारी देखिया ये
फिर रजपूता की औरत गेल्या पाजी करे तैयारी देख्या शेरा के विक्रमा एक एक सांस देखे जा तेरा घर में रानी मास बेचे जा घर में रानी मास बेचे जा बार खसम पर चाई देखा कुए में डूब के मरना होगा तेरा गंगा जल भी खारी तेरे ताज में कुकरम देखे आया सू आज में कुकरम देख के आया सू आज में हेर गदा गऊ पे वो तेरे राज में गदा गऊ पे वो तेरे राज में करता खूबी सवारी देख्या रे पश्मीने की झूल घाल रहा गोटा और किनारी देखा शहर के जिब मेरे छीटे लगे थे जहर के मेरे छीटे लगे थे जहर के तेरे बिना पंखा और बिना पैर के बिना पंखा और बिना पैर के एक लेता पहाड़े उड़ारी देखा रे तेरे राज में सरे आम मन करता खेल तुम्हारी अपनी ते तबीयत खूब रोकली अपनी तबीयत खूब रोकली हेर ले ले रिश्वत गोद ठोकली ले ले रिश्वत गोद ठोकली ईसा हुक्म सरकारी देखा श्री मांगे राम जमाना छड़का मन कोई कोई लोग व्यवहारी देखा
तो प्यारे भाइयों, ये बात सुनके राजा भरतरी को बहुत गुस्सा आया और न्यू बोला के भाई अगर ये बात है तो मैं सुश्री के जाते ही शरण तार दूंगा। और विक्रम की और भरतरी की ये बात हुई तो उधर पिंगला रानी ने अपने बचाव का प्रबंध करती है। उसी शहर में एक जगत सेठ रहा करता था, वो पिंगला को बहुत चाहता था। उस जगत सेठ को पिंगला रानी ने बुला लिया और कहने लगी कि जगत सेठ आपने मेरा एक काम करना होगा। कहने लगा महारानी जी क्या है? कह तू विक्रम ने एक बले में लगा देना, विक्रम कह कह मेरी पुत्र वधु को छेड़ता है विक्रम। तो सेठ जगत कहने लगा कि महारानी जी मेरे से यह काम नहीं होगा। न्यू कहने लगी कि सेठ जी जीना चाहता है या नहीं, सोच ले विचार ले, फायदा से के नुकसान तेरा, ना तो 10 गुंडा ने बुलवा के लदवा दू सामान तेरा। ये बात कही तो लाला जी के हाथ पर कपने लगे और हाथ जोड़ के कहने लगा कि ठीक है महारानी, मैं ये काम कर दूंगा। तो इधर से भरतरी गुस्से में महल में बढ़िया और देखा पिंगला को चारू ओर ने बांधी खड़ी और पिंगला रानी बैठी और के कहने लगा भरतरी बला एरे रो क्या कोन्या एरे तो क्या छतरी पहुंचे गया
भाइयों, भरतरी पिंगला से कहता है कि पिंगला रानी क्या बात है, कैसे बैठी है? तो पिंगला रानी नहीं बोलती, तो भरतरी उसका हाथ पकड़ के उसको उठाता है और क्या कहता बला, बोलिया रे उठे क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मले मत ना छेड़े भरतारे, उठे क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मले मत ना छेड़े भरतार तेरे ते, बोलिया ना चची अंधेरे गुब्बारे महल में दीवाना बती, उठे क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मन मत ना छेड़े भरतार तेरे ते, वो बोलिया ना सती अंधेरे गुब्बारे महल में वो दीवाना बती। हवेली रे बाग बगीचे सब तेरी जजात, सब तेरी जजात, ओ तेरे बोलने सुन सुन पड़गी छाती के मराद, मेरा छाती के मरा तेरे ते मन बाद कौन प्यारा से, जो घरे शहर नगर थारा से, तेरे तेरे बाद कौन प्यारा से, जो घरे शहर नगर थारा से, अड़े ना कोई मेरा सती किसने के कह दिया रांड तू, रो रो टकराती, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मन मत ना छेड़े भरतार तेरे ते, बोला ना सती अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बती। बोला मेरे सुन सुन हरदा काप गया डर के, हरदा काप गया डर के, और यात में भी जानो ये पंडा छुटेगा मर के, यो पंडा रे छुटेगा मर के, दाने टुकी करके जा बैठ समाई, हरी दोन वाकी बड़ो लगाई, दाने टुके करके जा बैठ समाई, हरी दोन वाकी बड़ो लगाई, मेरे ना के ओड बड़ी छाती, लोगो बन आई मरवावे देखियो या सीढ़ी कैसे ताती, उठी क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मन मत ना छेड़े भरतार तेरे ते, बोला ना चकी अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बती। खता होई मेरी से भाई किसू या
चढ़ी शरम तेरी से बताइए खता होई मेरी से आई किसू या तो चढ़ी शरम तेरी से ना अपने घर चली जाती घर घर में जूत मार ले बाहर ने मैं मानस पंचायती चलने वाली वह ओरिजिनल मैं नहीं कैसेट होती है।